यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं दिख रहा, जो राधे ही शाम किए हैं वही काम दिख रहा है। अभी कोई बड़ा ऐसा काम नहीं है जो हांडा के विधायक किए हैं उनका नाम लिया जाए। क्या मुद्दे हैं, क्या जो है जमीनी जरूरत है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं हाटा विधानसभा के, क्या जो मुख्य समस्याएं हैं वो जरा गिना दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर विकास का काम चाहिए, विकास पुरुष एक राधे श्याम सिंह है, हम लोग इस बार तो राधे श्याम सिंह को चुनेंगे। एक बस स्टैंड की आवश्यकता, स्टेशन पे एक बस स्टैंड होना चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं दिया। और दूसरी चीज मूलभूत की आवश्यकता, नगर पालिका अध्यक्ष से मैं कहूँगा कि जैसे बिजली हाउस बनवाए राधे श्याम ने बनवाया है, गन्ना मिल यहाँ का धारा कुछ उन्हीं ने मुलायम सिंह के जमाने में खुलवाया था। अगर मेरी आवाज़ आपके उत्कर्ष चैनल के माध्यम से आदरणीय पवन केडिया तक चली जाए अगर, तो बहुत बेहतर, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि उत्कर्ष के सामने अपनी प्रस्तुति मैंने दिया कि पूरे नगर में कहीं एक सुलभ शौचालय नहीं है कि अगर महिलाएं कहीं से जाती हों तो कहीं रुक करके बाथरूम कर सकें। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनावी सफ़र जारी है और यह सफ़र इस समय हाटा विधानसभा पहुंचा है। हाटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पवन केडिया, उनका नाम है। अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियां बढ़ गई हैं तो जाहिर सी बात है चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लोग अलाव ताप रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। देख सकते हैं अलाव जल रही है और कुछ सम्मानित लोग हैं यहाँ के। अब इनसे समझने का प्रयास करेंगे क्या चाहता है हाटा, इस पर भी बात करेंगे। हाटा की क्या मुद्दे होने वाले इस चुनाव में, इस पर भी बात होगी और कुछ अन्य बातें भी यहाँ के स्थानीय लोगों से हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मुहर्रम नवाब। मुहर्रम, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ठंडी तो बढ़ गई, आप लोग अलाव अलाव का व्यवस्था किए हैं बढ़िया? का कर मजबूरी बाबा, वो लकड़ी आवा था वो तापल जाता। अच्छा, कौन सरकारी लकड़ी मिला? लकड़ी नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं न्यू हार्डवेयर प्लाई बोर्ड, अपना खुद प्लाई जलाते हैं, 10 लोग आके हमेशा बैठ के आगे तापते हैं। न्यू हार्डवेयर प्लाई बोर्ड दुकान का नाम है, प्रचार भी हो जा रहा है। अच्छा, वही व्यवस्था की? वही व्यवस्था की, वही अपना लकड़ी ले आके जला रहे हैं। अब कोई नगर पालिका से नहीं, इस जगह पर तो नहीं लकड़ी आया हुआ है, और कहाँ आया है ये हम लोग नहीं जानते हैं। सर्दियों में तो नगर पालिका की जिम्मेदारी हो जाती है देखा जाए तो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना। पालिका का जिम्मेवारी है मगर कहाँ जल रहा है नगर पालिका में, इस तरह हम लोग तो यहाँ पर इनका ही प्लाई जला के बैठे हुए आप भी देख रहे हैं, और यहाँ पर नगर पालिका कहाँ प्लाई आया हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों है? फोन नहीं जाता है नगर पालिका, आप लोग फोन नहीं करते हैं? जो प्रतिनिधि होंगे वो लोग फोन करेंगे, जो इस वार्ड का सदस्य होंगे उनको उनका फर्ज बनता है आके कहाँ कहाँ जरूरत है लकड़ी गिरवाने का, आके गिरवाना चाहिए ठंडी के सीजन में। सदस्य जी लोग नहीं कर? अभी अच्छा, हाँ बोलिए। सदस्य जी लोगों का जिम्मेवारी बनता है ना सर जी के टाइम में, वो तो मांगने के लिए सब लोग आते हैं, इस टाइम भी तो आके घूमना चाहिए ना, हर जगह चौराहे चौराहे पर लकड़ी गिरा के आगे जलवा देना उन्हीं लोगों। अच्छा, ये तो चलिए नगर पालिका की बात हो गई, थोड़ा बाहर चलते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चर्चा विधानसभा की ज़्यादा हो रही है। हाटा विधानसभा का क्या माहौल है, किसकी सरकार यहाँ के लोग बना रहे हैं और विधायक किसको चुनने जा रहे हैं? हम लोग तो मान लीजिए यहाँ पर विकास का काम चाहिए, विकास पुरुष एक राधे श्याम सिंह है, हम लोग इस बार तो राधे श्याम सिंह को चुनेंगे क्योंकि इस बार भाजपा की सरकार है और भाजपा का विधायक भी है। यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं दिख रहा, जो राधे ही श्याम किए हैं वही काम दिख रहा है, जैसे बिजली हाउस बनवाए राधे श्याम ने बनवाया है, गन्ना मिल यहाँ का धारा कुछ उन्हीं ने मुलायम सिंह के जमाने में खुलवाया था। अभी कोई बड़ा ऐसा काम नहीं है जो हांडा के विधायक किए हैं उनका नाम लिया जाए। बड़ा काम कोई नहीं? कोई नहीं, कि स्कूल भी हो डिग्री कॉलेज, छोटा मोटा काम हुआ है? छोटा मोटा बहुत काम, जैसे धरती पर बहुत, धरातल पर बहुत, नगर पालिका में हम लोग रहते हैं, नगर पालिका का काम नगर पालिका ही कराया है, जैसे कहीं ऐसा बोध नहीं दिखता है ना पवन केडिया कोई बड़ा काम 1 करोड़ 4। नगर पालिका करवाया है और विधायक जी ने? विधायक जी कोई ऐसा बड़ा काम जो नहीं करवाए हैं कि कोई उनका नाम लेगा, हम विधायक जी ये काम करवाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमशेद है सर। सहमत है यादव जी की बात से? तो कह रहे हैं कोई काम हम नहीं हुआ। जहाँ तक यादव जी की बात से सहमत असहमत का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास विवेक बुद्धि है, मानसिकता है, हम अपनी सोच से सोच सकते हैं। जी बोलें, अपनी सोच से। हाटा विधानसभा में मैं रहने वाला हूँ, यहाँ का मूल निवासी भी हूँ, और विकास के क्षेत्र में अब तक की जो भी सरकारें आई हैं उनके विधायकों ने जहाँ जहाँ भी अगर विकास किया होगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा हाटा 334 में कोई विकास का कार्य नहीं किया है। हालांकि इसके पूर्व की सरकारें जो भी रही हैं, जैसे यहाँ के पूर्व विधायक जो है राधे श्याम सिंह थे, मंत्री भी रहे, वह उन्होंने काम किया है, बेहतर काम किया। जो जिस स्तर पे विधानसभा हाटा को छोड़ करके वह गए आज उसी स्तर पे है, ना कि 5 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और
आदरणीय योगी जी के निर्देशानुसार विधायक पवन केडिया ने कोई हाटा में काम नहीं किया। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या जो है जमीनी जरूरत है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं हाटा विधानसभा के, क्या जो मुख्य समस्याएं हैं वो जरा गिना दीजिए जल्दी से। तो देखिए पिछले 50 सालों पर अगर जाया जाए, क्योंकि हमारी उम्र 45 साल की हो गई, 81 का डेट ऑफ बर्थ है, जब से मैं देख रहा हूँ बीजेपी की सरकार आई, बीच बीच में नगीना जी यहाँ के सांसद रहे और विधायक हमारे रमापति गौड़ जी थे, तब भी विकास नहीं हुआ। और आज जो विकास की बात, जैसे मुख्य मुद्दा हमारे वहाँ क्या है, एक बस स्टैंड की आवश्यकता, स्टेशन पे एक बस स्टैंड होना चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। और दूसरी चीज़ मूलभूत की आवश्यकता, नगरपालिका अध्यक्ष से मैं कहूँगा कि पूरे नगर में कहीं एक सुलभ शौचालय नहीं है कि अगर महिलाएं कहीं से जाती हों तो कहीं रुक करके बाथरूम कर सकें। और अलाव का जहाँ तक मामला सर है, यहाँ पे कहीं अलाव नहीं है, दूर दूर तक देखने में पूरे हाटा में सब लोग अपनी निजी कोच से चार लकड़ियाँ रख करके जला करके लोगों को राहत दे रहे हैं। अच्छा, नगर पालिका के लोग नहीं अलाव का व्यवस्था कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या नाम है? बबलू बाबा। बाबा जी बताएं क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं विधानसभा के? भाई साहब से बात की, बड़ी कमी गिना रहे हैं विधायक जी की, कह रहे हैं काम काज नहीं हुआ है, सहमत हैं आप? सही नहीं हुआ है। क्या काम काज नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया? जो होना चाहिए हो भी नहीं किया है। क्या होना चाहिए, दो चार मुद्दा बताइए, किस चीज़ की उम्मीद थी आप लोग? अलाव उलाव जा रहा है, लोग इधर उधर खड़े हैं। अलाव तो नगर पालिका की जिम्मेदारी हो जाती है, स्थानीय जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो विधानसभा की बात कर ली जाए, पूरे विधानसभा की बात वही बताएंगे आप? बताएंगे, बताइए क्या पूछ रहे हैं? ये तो बता ही दिए आप, बताइए। हम लोग नेता के साथ नहीं घूमते हैं, नेता वो है देखिए, उनसे बात देखिए, हमारे भाई साहब आ गए। सवाल पूछ रहे हैं तो नेता के साथ नहीं घूमते हैं, अभी एक मिथक कहा जा रहा है। हाँ बोलिए आप। सर एक हमारा सवाल है, अगर मेरी आवाज़ आपके उत्कर्ष चैनल के माध्यम से आदरणीय पवन केडिया तक चली जाए अगर, तो बहुत बेहतर, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि उत्कर्ष के सामने अपनी प्रस्तुति मैंने दिया। और सवाल मेरा ये है, सिर्फ हाटा में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के बगल में बसा हुआ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, बगल में संस्कृत महाविद्यालय और बगल में जो है राजकीय कस्तूरबा है, उसके बगल बीचों बीच से करीब हमारे जन्म के पहले से एक रास्ता जो गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के ग्राउंड को छूता है, सर वहाँ बच्चे खेल खेलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आज के डेट में नगर पालिका अध्यक्ष और और जो है विधायक हाटा और डिवाइस कुशीनगर और बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर, इन सभी लोगों ने मिलकर के उस जमीन का सौदा कर दिया है और उस जगह को एक बड़ा आवासीय जगह बनाने का प्रस्ताव कर लिया है, जो फील्ड में जाने के लिए कोई रास्ता अब नहीं रह जाएगा, जिसका कार्य प्रगति पर है और काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। लोग उसको मिल करके और चेयरमैन के पास और नगर अध्यक्ष के पास और तमाम जैसे उच्च अधिकारी नेताओं के पास जाने के बाद ये पता चलता है कि वो लोग कहते हैं कि मेरे स्तर की बात नहीं है, चुनाव आने वाला है, मेरे ऊपर जो मेरा मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों नौनिहालों के खेल का सवाल है, उस फील्ड से जुड़ा हुआ लोगों का अस्तित्व है, लोग वहाँ खेल खेलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ देखने को ऐसा नहीं मिला। जबकि पूर्व में विधायक राधेश्याम सिंह ने कहा था यदि मैं दूसरी बार चुनाव जीतता हूं तो स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा, जबकि उसके बाद उस कार्य को ना ही वर्तमान विधायक पवन केडिया ने अब तक पूरा किया, ना ही किसी इस तरह की कोई हाटा में विधानसभा में बात किया कि कोई बच्चों के लिए खेल का भी सामग्री और खेल के लिए कोई ऐसा ग्राउंड होना चाहिए, ऐसी सोच उनके अंदर है ही नहीं है। हाटा विधानसभा में हम मौजूद थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने हमने बात किया और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझने का प्रयास किया, क्या मुद्दे हैं, चुनाव को लेकर लोगों की क्या सोच है और क्या क्या परेशानियां हैं। लोगों ने कई जो है मुद्दों को गिनाया, कामकाज से नाखुश यहां के लोग दिख रहे हैं और विधायक जी से भी नाखुश दिख रहे हैं। और एक और बात सामने आई, अलाव जलाया जा रहा है पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन जो नगर पालिका है उसके द्वारा कोई व्यवस्था अलाव की नहीं की जा रही है इस विधानसभा क्षेत्र में और इस नगर पालिका हाटा में, तो कहीं कहीं नगर पालिका से भी लोग नाखुश हैं और सर्दियाँ बढ़ गई हैं लेकिन अलाव की व्यवस्था लोग अपने पैसे से ही अपने जो है जेब पे में खर्च करके ही कर रहे हैं। कहेंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है और 2022 के चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, किसकी सरकार बना रही है और किसको विधायक चुन रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।